मुलायम सिंह यादव को आखिर हुआ क्या है? मुलायम सिंह को आनन फानन में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में क्यों एडमिट करना पड़ा है? दरअसल मुलायम सिंह की बीमारी अब यूपी की जनता को डरा रही है। पिछले 48 घंटे में मुलायम सिंह यादव की सेहत पर जिस तरह के अपडेट सामने आए हैं, उससे उनके चाहने वाले चिंतित हो गए हैं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर अपने जमाने के मशहूर पहलवान रहे सख्त जान मुलायम सिंह यादव को हुआ क्या है। मुलायम सिंह यादव की खराब सेहत की खबर पहली बार अचानक से तब सुर्खियों में आई जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके घर उनसे मिलने पहुंचे। पल भर के भीतर ही मुलायम और योगी की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उनका हाल पूछा और उन्हें कुंभ 2019 पर बनी किताब भी गिफ्ट की। दरअसल मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया अस्पताल से अपने घर आए थे, जहां उन्हें हाई ब्लड शुगर की शिकायत थी। योगी ठीक इसके बाद ही उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्हें बताया गया कि मुलायम की स्थिति अब ठीक है। लेकिन इसी मुलाकात के फौरन बाद रात में ही मुलायम को एयरलिफ्ट करा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया तो लोगों की चिंता बढ़ गई। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस वक्त मुलायम सिंह की बीमारी और उनका मौजूदा हाल जानने के लिए बेचैन हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल मुलायम सिंह की सबसे बड़ी समस्या उनका तेज बुखार और ब्लड शुगर की वजह से होने वाली बेहोशी बताई जा रही है। मुलायम के करीबी उनके साथ लगातार बने हुए हैं और पल पल उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।